नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फूड नेशन। अगर आप पार्टी लवर हैं या आप नई जगहों पर घूमना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। अगर आपने न्यू ईयर में कहीं घूमा फिरा नहीं है और न्यू ईयर आपने सेलिब्रेट नहीं किया है कहीं जाकर, और अब आप कहीं जाना चाहते हैं और खुली वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये खबर मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि आप पटना से करीब ही आप ऐसे जगहों का लुफ्त उठा सकते हैं। जी हाँ, पटना से ज़्यादा दूर भी नहीं है जिन जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे, और आप 2 या 3 दिन में आराम से घूमकर वापस भी आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी जगह है जो पटना के ही आसपास में है। अगर आप पार्टी लवर हैं और किसी खास जगह पर आप घूमना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे पटना से करीब 5 डेस्टिनेशन के बारे में जहां आप जा सकते हैं और वहां के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये जगह पटना से करीब 8 से 12 घंटे में पहुंच सकते हैं और 1-2 दिन समय बिताकर लौट सकते हैं। पटना से 230 किलोमीटर दूर हज़ारीबाग समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हज़ारीबाग में साल भर मौसम सुहावना बना रहता है। हज़ारीबाग मील के पास पिकनिक स्पॉट है। साथ ही यहाँ हज़ारीबाग नेशनल पार्क में आप कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ देख सकते हैं। सिलीगुड़ी पटना के पास मौजूद एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना चाहिए। यदि आप पिकनिक मनाना चाहते हैं तो आप सूर्य सेन पार्क जा सकते हैं। पटना से सिलीगुड़ी की दूरी 450 किलोमीटर है। अगर आप एक ऐसे शहर में होना चाहते हैं जहां चाय के बागान धुंध में डूबे हुए हैं तो दार्जिलिंग की ओर रुख करें। पटना के पास सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक दार्जिलिंग चाय बागानों के लिए जाना जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा के साथ लगा हुआ ये हिल स्टेशन खूबसूरती में डूबा हुआ है। यहाँ आप बौद्ध मठों में कुछ समय बिता सकते हैं। आप यहाँ 140 साल पुरानी टायर ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं जो अभी भी शहर से गुजरती है। समुद्र तल से 4100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन हरे भरे चाय के बागानों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। कलिम्पोंग के मसाले काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आप यहां इलायची और हल्दी जैसे मसाले खरीद सकते हैं जो यहां प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। पटना से 590 किलोमीटर दूर पोलिंग समुद्र तल से 2150 मीटर और कंचनजंगा की तलहटी में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हरी भरी हरियाली और खूबसूरत वादियों की वजह से ये जगह सिक्किम में सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रही है। तो ये रहे पटना से करीब 5 ऐसे डेस्टिनेशन जहां आप जाके पार्टी कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं और वहां के वादियों में आप अच्छे अच्छे तस्वीरें कैद कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।